दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल फ्रंट पर में इस बार हम डीपली कवर करेंगे ढाका टी ट्वेंटी कप का अठातर नव मुकाबले के बारे में जो होने वाला है पी बी सी सी वर्सेज पी डी एस सी के बीच में जो पी बी सी सी की टीम से ना इन्होंने अब तक तो बता दो चौथा मुकाबले सीरीज में खेला है तीन हारा है आठ जीते हैं सॉरी नौ ग्यारह मुकाबले जीते हैं और तीन मुकाबले इन्होंने हारे हैं जब इनकी आप देखोगे ना पी डी एस सी टीम की तो गाय इन्होंने क्या हुआ है इन्होंने आठ मुकाबले जीते हैं तीन मुकाबले इनका नौ रिजल्ट है और तीन मुकाबले इन्होंने हारे भी है ये फर्स्ट नंबर पोजीशन पे और ये सेकंड नंबर पोजीशन में कहीं ना कहीं इनकी कंपेयर किया जाए तो इनकी टीम स्ट्रॉग टीम्स है बाकी बहुत सारी चीज़ आपके लिए लाए हैं जैसे हेड हे टोटल का लो तो उसका स्टर्थ कौन कितना रन बनाया है और कौन बैटिंग करवाता है देश में कौन ओपनिंग करवाता है कौन कॉन्फर्म बैटिंग और बता दूंगा कौन कितने नंबर बॉलिंग करवा जा सकता है वो भी बता दूंगा बाकी स्मॉल के भी ग्रैंड लीग पिक बता दूंगा आप वीडियो पहले लास्ट तक बने रहिएगा लेकिन उनसे पहले जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो कमेंट कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर न्यू बार हो तो बाकी एक चीज़ करना टेलीग्राम पर जुड़ जाना उसके लिए वो करना क्या है एक तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर चलाना लास्ट टाइम वो फाइनल टीम फाइनल अपडेट टीम में चेंज होता है उसका अपडेट सारी चीज आपको टेलीग्राम पर मिलता है तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाएंगे नहीं तो तरीके बहुत सारे हैं जैसे आप सर्च करके भी जुड़ सकते हो सो so, दोस्तों आपको टेलीग्राम को ओपन कर लेना है यहाँ पर सर्च वाला आइकन पा कर सर्च कर लाइना एट द वन जीरो टू जैसे मैंने लिखा है मेरा चैनल दिख जाएगा ठीक है जैसे आप क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा ओपन हो जाएगा यहाँ पे ज्वाइन वाला बटन दिखेगा ज्वाइन कर लेना लास्ट में फाइनल टीम फाइनल अपडेट टीम में चेंजेस होता है उसका अपडेट सारी चीज़ आपको यहीं मिलेगी आपका तो बहुत ही बड़ी टीम जा रहा है तो आप आओ आपको यहीं पर अच्छा खासा टीम मिलेगी बात करेंगे मैं को शाम को होंगे मुकाबले छः बजे शाम को तो आपको समय अवेलेबल होना का बेनू से रहेगा सीरी नेशनल बांग्लाश मीरपुर में यहाँ पर सारे सारे मुकाबले यहाँ पर हुए छः से सात मुकाबले छोड़ के इस टूर्नामेंट में टोटल मुकाबला होता देखने वाली चीज़ रहेगी है टूटा अनुआ कहता था पी बी सी की टीम ने तीन रन से विन करा था हालांकि उसमें भी एक अच्छा खासा स्कोरिंग बनी थे यहाँ पे देखोगे एक सौ इक्यावन पे सात गिरे थे एक सौ अड़तालीस में नौ गिरे थे यानी आठ से नौ विकेट गिरते दिखेंगे और एक सौ पचास प्लस आपको स्कोर बनते दिखेंगे देखोगे पी डी एस सी का टीम था ना उसमें सैफ अफसैफा ने तरह करा था मार्शल अयुब ने बाईस करा था इक्कीस करा था फजल महमूद ने शरीफुल्ला ने बनाए थे उन्नीस रन फरहाद राजा ने तीन ओर गेंदबाजी करी थी लेकिन विकेट नहीं मिला था तेरह बनाए था बैटिंग से अड़तीस आउट कमर इस्लाम रोबिन ने बनाया था चार ओर गेंदबाजी दो बिकर निकाला था पहले समीम ने एक विकेट निकाला था इनामुल ने बना थे और एक विकेट निकाले थे तैबू सॉरी हाँ तैबूर रहमान ने एक विकेट विकट निकाले थे रजाउ रहमान ने एक विकेट निकाले थे सामने टीम की हम बात करेंगे इनाम उलक ने उनतीस बनाए थे मोहम्मद मिथुन ने पच्चीस पचपन बनाए थे बीस बनाए थे नाहदुल ने अलोक ने बनाए थे छब्बीस एक विकेट निकाला था चार बार करके रहमान ने तीन विकेट निकालते थे रूबर हुसैन ने दो विकेट निकाले थे सरिफुलान ने दो विकेट निकाले थे और एक विकेट निकाले थे नईम हसन ने तो मैच में इनका हेड टू एडला परफॉर्मेंस रहा था तो गजब गजब रहा है बाकी बहुत सारी चीज़ें डीपली कवर करेंगे प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा पीबीसीसी की टीम की बात करेंगे इनकी तब से लास्ट मैच में ओपनिंग थे, रोनी तो बेटी है। देंगे और रूबलिया रूबल पूरे पूरे चार बजे मिला था लेकिन मुझे तो नहीं लगता जाएंगे वो देखने वाली बात रहेगी उसमें बोलता हूँ कि टेलीग्राम में जुड़ जाना इनके कितने बॉलिंग ऑप्शन रहेगा वो आपको देख कर बताऊंगा कि ये बॉलिंग करेगा कि नहीं करेगा उसी के बेसिक हम रखेंगे इसलिए इनको पेंडिंग में डालेंगे और डायरेक्ट पिक कर लेना इनामुल की बात करेंगे इन्होंने अभी तक एवरेज परफॉर्म करा है अभी तक तो मैं एक ही मुकालों दो मुकाल बढ़िया गया बाकी सारे मुकाल में स्ट्रगल किया है तो मैं बोलूँगा कि मोहली की टीम में छोड़ दो लेकिन एक डिफ्रेंटल प्लेयर मोहल्ली की टीम में ग्रेनली की टीम में बहुत ही बढ़िया असर रहेगा ग्रैंडली की टीम में इनको रख लेना मोहम्मद मिथुन एटोमेटिक देंगे गाइस इन्होंने ना लास्ट के दो मुकालन से स्ट्रगल कर रहा है बट इनका टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया गया था शुरू वाला मुकालन देखोगे ना अच्छा खासा इन्होंने स्कोरिंग करी थी तो मोहम्मद मिथुन आपके लिए बढ़िया पिक रहेगा विकेट के प्रशिक्षण से मोहम्मद मिथुन को आप डाइल पिक करेंगे बात करेंगे राकीबुल इस्लाम की तो गाइज इन्होंने शुरू सूरवालम कॉलम हुआ क्या था अठारह छः यहाँ पर चौतीस से इकतीस में बताया जब तक जब भी इनको मौका मिला ना गाइज अच्छा खाने इन्होंने स्कोरिंग करी है तो स्कोरिंग करना बीस से पच्चीस रन आकर वो दे सकते हैं लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर ना बैटिंग ऑर्डर है इसलिए मैं इनको मतलब लेने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ ठीक है अच्छा नहीं तो हम लेते अच्छा खासा प्लेयर्स मुझे लगा नायदुल इस्लाम राइट टेम बैटिंग करवा के देंगे राइट टाइम ओवर एक बॉलिंग करवाते थे लास्ट में ग्राउंड में चालीस बनाए थे उसके पहले हम लोग देखो देखोगे दो तीन ओवर मतलब बॉलिंग करवा रहे थे इसलिए इनको बॉलिंग नहीं मिला क्योंकि जो रुबल में आपको दिखेंगे ना यहाँ से इन्होंने बॉलिंग करवा ली थी बट मुझे लगता है कि बॉलिंग करेंगे ठीक है तो अच्छा खासा प्ले रहेगा आप पिक कर लेना इनको भी हाँ तो खास इनकी बात आ रही है नईम हसन जो आपको बता दू सिर्फ बैटिंग करवा रहे हैं ठीक है और लास्ट में कौन शायद बैटिंग ही सिर्फ करवाई थी तो स्मॉलिंग की टीम में आप इनको भी पिक कर सकते हो और लोग कपाली राइट एंड बैटिंग करवा के देंगे लेग ब्रेक बॉलिंग करवाते अच्छा खासा इन्होंने करी थी ठीक है आप स्मॉलिंग की टीम इनको भी रख सकते हो बाकी बात करेंगे कई जिनके जब्दार शरीफ फुला इस्लाम लेफ्ट एंड बैटी करवा के देंगे लेफ्ट और मीडियम फास्ट बॉलिंग करवाते हैं जब भी खेलते कोटे का तीन से चार बॉलिंग करवा कर देंगे और हर एक मैच में विकेट निकाला है तो इसको छोड़ने का कोई चांस नहीं बढ़ता उनके बाद आ रहे रूबाल हुसैन बहुत ही बड़ा प्लेयर था भाई इन्होंने अभी तक कुछ खास तो परफॉर्मेंस नहीं करा था इनका टोटल मुकालम भी कर निकाले थे दो बाकी गाइज इन्होंने कहाँ नहीं कराते हैं यहाँ कहाँ नहीं कराते यहाँ पे यहाँ करा था तो बढ़िया पिक रहेगा स्मॉली की टीम में आप रिस्क लेना चाहोगे तो वाइस कप्टन से दे सकते हो अल्ट्रा क्लीन शिप करवा देगा ऐसा बंदा है ठीक है उनके बाद आ रहे मुस्तफिजुर रहमान इनके बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइज़ आप स्मॉली की टीम में इनको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना आप रिस्क लेना चाहोगे तो इनको भी वाइस कप्टन से कर सकते हो बाकी बात करेंगे इनके जब जो बेंच में बैठे प्लर्स उसका मैंने नाम लिख दिया कोई भी खेलेगा तो आपको उसमें ना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगा टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा जो सामने टीम की बात करेंगे इमरान उज़मान इनके साथ आए थे ना सैफ हसन ठीक है इमरान के साथ सैफ हसन की बात करेंगे राइट टैम वेटिंग करवा के देंगे लास्ट में कलम दस आए थे बॉलिंग नहीं करी थी बट बॉलिंग करवा के देंगे नहीं एज अ बैट्समैन खेलते हैं लास्ट मेंलम कलम देखोगेगा अच्छा खा स्कोरिंग करिए तो इस मॉली की टीम में इनको डायरेक्ट पिक कर लेना इमरान को आप डायरेक्ट पी करेंगे इस मोल की टीम में इन्होंने भी अच्छे खासे स्कोरिंग करी है प्लस ओपनिंग करवा रहे हैं प्लस विकेट के पास से आपको एडवांटेज देंगे तो रखना जरूरी है फजल महमूद लाशम का नंबतीस उनत्ती इक्कीस यहाँ पर उनतीस इकहत्तर तो अच्छा खासा इन्होंने भी कंट्रीब्यूट करा है आप इस मोहली की टीम इनको भी दे सकते हो मार्शल यूब आपको लिए गेंडली बहुत ही बढ़िया ऑफिस रहेगा क्योंकि सेकंड है बैटिंग ऑर्डर है बॉलिंग तो नहीं करवा रहे बैठम खेल रहे राइट में बैटिंग करवाते हैं सत्रह बारह बीस तेरह यानी ऐसा करके पारिया है ठीक है गैंडली की टीम में पिक करेंगे ज़्यादा बेटर पिक रहेगा क्योंकि सेकंड हैंड बैटिंग ऑर्डर है तो अच्छा खासा कभी भी आकर हिटिंग कर देंगे तो गैंडली की टीम में विन करवा देंगे स्मॉलर की टीम में बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा क्योंकि इनकी जगह पर आप किसी बॉलर को प्रेफर कर सकते हो सुमिन हुसैन पात पवरी पतवरी जो लेफ्ट में बैटिंग करवा के देंगे राइट में बॉलिंग करवाते हैं लेकिन लास्ट को तो मुकाल से बॉलिंग नहीं करी है इसमोल की टीम में इनको रख भी सकते हो क्योंकि कभी कब बैटिंग करने के ऊपर भी आते हैं सुरल मुकाल देखो अच्छा खासा स्कोरिंग करी थी पर बॉलिंग भी करी थी लेकिन लास्ट मुकाले हम बॉलिंग नहीं करी बॉलिंग करेंगे तो रखेंगे नहीं तो नहीं रखेंगे बॉलिंग कहाँ पर करेंगे वो पता लगेगा आपको टेलीग्राम पर तो टेलग्राम पर जुड़े आपको वहीं पर पता लग जाएगा कि बॉलिंग करवा के देंगे कि नहीं देंगे फराहत राजा राइट में बैठी करवा के देंगे राइट एंड बेटी फास्ट बॉलिंग करवा के देंगे लास्ट में कॉले में बॉलिंग तो नहीं करी थी बट उसके पलम तो खुद अच्छा खासा बॉलिंग करवा रहे थे। बढ़िया पिक रहेगा आप इस मॉलिक की टीम में फराहत राजा को पिक कर सकते हो एक डिफेंसल पिक रहेगा इनका सिलेक्शन बहुत ही कम है उनके बाद आ रहे इस्लाम रोबी राइट एंड बैटिंग करवा के देंगे राइट एंड बैटी फास्ट बॉलिंग करवाते हैं यहाँ पे देखोगे दो ओवर यहाँ पे देखोगे अच्छा खासा इन्होंने बॉलिंग करी है प्लस इन्होंने ना विकेट भी निकाले हैं स्पेशल बात यह है कि जैसे हम बॉलिंग करते हैं प्लस अच्छा खासा हिटिंग भी करवा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अड़तीस प्लस दो विकेट दिख रहा है ना इनका है टोटा लम काला का परफॉर्मेंस रहा है तो बढ़िया पिक रहेगा कमरुल इस्लाम रोबी आप स्मॉली की टीम में बहुत ही ज्यादा रिस्क रहेगा लेकिन मेरी जेल की टीम में कैप्टिफ़ कैप्टन कर लेना सरफुल्ला लास्ट में कल बार का एक विकट लगे उसके बॉल में कल में कोटे का अच्छा अच्छा बॉलिंग करवा रहे थे बट ए भी एक एवरेज पिक मैं मैंने बोलूँगा कि आप इनको रखो इनके बाद अरे रजाउर रहमान राजा राइट एंड बैडी करवा के देंगे राइट एंड मीडियम पेस बॉलिंग करवा के देंगे अच्छे खासे बॉलिंग करवा के जाएंगे बढ़िया पिक रहेगा हर एक मैच में इन्होंने विकेट निकाला है, तो पिक लेना स्मॉल इसमें टीम में सफीक इस्लाम राइट एंड बैडी करवा के देंगे लेफ्ट मीडियम पेस बॉलिंग करवाते हैं यहाँ पे देखोगे चार ओवर यहाँ पे एक ओवर तीन ओवर दो ओवर यानी कोई कन्फर्म रहे तो कभी एक ओवर कभी दो ओवर कभी तीन ओवर लेकिन बॉलिंग करेंगे ये तो कन्फर्म है कि बॉलिंग करेंगे अब कितना करेंगे एक नहीं कन्फर्म है तो एवरेज पिक रहेगा मैं छोड़ूंगा इनके बाद है इनाम हक जूनियर राइट एम बैड करवा के देंगे राइट एम लेकर बैठकर बॉलिंग करवाते हैं गर्ज आपको बता दूँ इन हक जूनियर का दो विकेट दिख रहा ना उनका हेड टू वर् मुकाबला का परफॉर्मेंस रहा था उस मैच में तो उसके बेसिस जो आप इसमोली की टीम में इनामुल को रख सकते हो बाकी अभी के लिए रिस्की रहेगा लेकिन बॉलिंग तो करवा रहे आप इसमोली की टीम में रचाओ तो रख भी सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो इनके तरफ से जो बेंच जो बैठे पड़े उसका मैं नाम लिख दिया कोई भी खेलेगा तो आप ट्राई कर सकते हो देखो हम इसमोली की टीम में मस्ट पिक बात करें ना तो यहाँ से इनको पिक कर लेना फजल महमूद देखो ऊपर के चार दिख रहे हैं ना किसी दो को पिक करना ज़्यादा मत लेना भाई क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे विकेट गिर रहा है समीम को डायरेक्टली पिक करना राजा को आप पी कर सकते हो कम्बुल का बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था उसके पैसे पे रख सकते हो यहाँ से शरीफ उल्ला आपके लिए बढ़िया पिक रहेगा ठीक है रजा रहमान को पिक कर लेना यहाँ से इनको छोड़ सकते हो मतलब इन दोनों में से किसी को पिक कर लेना या फिर दोनों को छोड़ सकते हो इस मोली की टीम में मैंने बोला कि कोई भी खेलेगा तो उसका स्टेस आपको टेलीग्राम पर मिलेगा उम्मीद करता तो आपने टेलीग्राम गए होंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर देना वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है तो लाइक कमेंट कर दिया करो ताकि मैं सही अपने मेहनत करता रहा तो चलते हैं डेमिलो ने पे सुखा जब जैसे आप ओपन करोगे डेलो ने ओपन कर यहाँ पर भी कर सकते में मिथुन दिखेगा इमरान दिखेगा इनामुल दिखेगा इनामुल भी बढ़िया पिक रहेगा लीग के लिए स्मॉल लीग की टीम के लिए अभी के लिए दोनों को लूंगा ठीक है जब आप बैटिंग से, से में आओगे तमीम इकबाल नहीं खेल रहा है मैं रखेंगे नहीं फजल महमूद बढ़िया पिक रहेगा इनका सिलेक्शन बहुत ही कम है समीम को रख सकते हो लेकिन इनका सिलेक्शन इतना कम है क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं ठीक है रोनी तलुखार ओपनिंग करवा के देंगे हसन को पिक कर लेना माजमदार नहीं खेल रहे और यहाँ से बात करेंगे ऐबूब को भी आप पिक कर सकते हो मयूब मार्सल अयूब लीग की टीम में ठीक है आर हसन को छोड़ देना इस मॉली की टीम पे यहाँ से रूबल मियाँ मैंने बोला था कि लास्ट में मुकान चार बार गेंदबाजी करी थी गाइज इस मॉल की टीम में इनको भी प्रेफर कर सकते हो बट मैं लूँगा यहाँ से आएंगा बैटिंग सेक्शन से तो फराहत रजा एन इस्लाम लोक कपालिक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है इस मॉलिक की टीम में लेना ही चाहिए जवाब के बॉलिंग सेक्शन में ना तो मुस्तफ़ी रहमान रुबल हुसैन को मैं डायरेक्टली पिक करूँगा सरीफ या फिर एक चीज़ कर सकते हो यहाँ पे आओ यहाँ पे ना हो कि फ़राह राजा की जगह पे आप कमल इस्लाम रबी को रख सकते हो इस मॉली की टीम में इन्हें को रखूँगा क्योंकि अच्छा खासा इन्होंने हेटर मुकाल में परफॉर्मेंस भी करा था बात करें कैप्टनशि वाइस कैप्टनशी के तैयार मेरा तो में देने का मन है मस्त है रहमान का वाइस कैप्टनशिप देने का मन है गाइज इनको और रूबल हुसैन को ठीक है बट मैं दूंगा भी मेरा डेमो टीम है फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगा आफ्टर टॉस थोड़ा की टीम है ठीक है फाइनल टीम मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर उसके लिए टेंशन मत लो अभी के लिए इसी टीम से ज्वाइन कर लो तो इस वीडियो के साथ मिलता है बेस्ट ऑफ लक गुड बाई को लाइक करते जाना चैनल को सब्सक्राइब करते जाना